डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट पीपल, जिसमें पिछले वीडियोस में बहुत सारे फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। दिवाली, दुर्गा पूजा, ओणम, जन्माष्टमी, नवरोज, ईद उल फितर, गुरु पर्व, होली, इन सब के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हम लोगों को पढ़ने हैं क्रिसमस एंड पोंगल। Christmas is celebrated every year on 25th December as the birthday of Lord Jesus. Christmas हम लोग celebrate करते हैं every year, प्रत्येक साल, on 25th December को as the birthday of Lord Jesus Christ के birthday होता है 25 December को। तो 25 दिसंबर को हम लोग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पीपल विश मैरी क्रिसमस टू ईच अदर एंड एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स। पीपल एक दूसरे को मैरी क्रिसमस का विश करते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं मैरी क्रिसमस, सामने वाले भी बोलते हैं उन्हें मैरी क्रिसमस, एंड एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स। एक्सचेंज मीन्स होता है अदला बदली करते हैं स्वीट्स एंड गिफ्ट का। इधर से सामने वाले को देते हैं स्वीट्स एंड गिफ्ट, फिर उधर से कुछ स्वीट्स एंड गिफ्ट मिलता है। क्रिसमस ट्रीज आर डेकोरेटेड विथ लाइट्स एंड बेल्स। क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है विथ लाइट्स के साथ एंड बेल्स के साथ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं क्रिसमस ट्री को सजाया गया है, ये बेल्स है और ये बहुत सारी इसमें लाइटें लगाई गई है। तो लाइट्स और बेल्स के साथ क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है। बेल मीन्स घंटी। क्रिसमस कोरल्स आर संग। क्रिसमस कोरल्स भी गाए जाते हैं, मीन्स क्रिसमस कोरल्स एक सॉन्ग है जो क्रिश्चियन लोग गाते हैं, तो वैसे क्रिसमस कोरल गाया जाता है इस क्रिसमस डे के दिन। इसके आगे पोंगल। पोंगल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 3 days इन जनवरी। इसे जनवरी में 3 days के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। द रैन सन एंड कैटल आर वर्शिप्ड। रैन सन एंड कैटल मीन्स पशु की पूजा की जाती है। एज दे ब्रिंग अ गुड हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स। ये सभी रैन सन एंड कैटल, ये सभी मिलकर फार्मर्स के लिए गुड हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स करते हैं। मीन्स रैन नहीं होगा तो क्रॉप्स अच्छा उगेगा नहीं, सन नहीं होगा तो भी फिर क्रॉप्स नहीं उगेगा, कैटल नहीं होगा तो फिर कैटल क्या करता है, फार्म खेतों को मुलायम बनाता है हल जोतकर, तो इसलिए कैटल की पूजा होती है। फिर बारिश होती है तो फसल को, क्रॉप्स को हरा भरा करता है। फिर सनलाइट भी चाहिए जिससे उसको एनर्जी मिलता है ग्रो करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें मिलकर फार्मर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसके कारण इन तीनों की पूजा की जाती है। 3 days के लिए मनाया जाता है पोंगल। तो फर्स्ट डे रैन की, सेकेंड डे सन की, थर्ड डे कैटल की पूजा होती है। अ स्पेशल डिश कॉल्ड पोंगल मेड ऑफ राइस एंड जैगरी इज ईटन। अ स्पेशल डिश कॉल्ड पोंगल, एक स्पेशल डिश बनाया जाता है जिसको पोंगल कहा जाता है, और वो पोंगल डिश बना होता है राइस एंड जैगरी का, जिसको लोग भी खाते हैं और पशुओं को भी खिलाते हैं। वो पोंगल एक डिश है जिसमें पोंगल फेस्टिवल में पोंगल डिश का यूज करते हैं लोग। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग होमवर्क कर लेते हैं।
ये फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स, यहाँ नीचे दिए गए वर्ड्स हैं इसको चुन कर आपको फिल करना है। दुर्गा पूजा, शिवई, रंगोलीस, ओनम। डैश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला, केरला का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कौन है, तो ओनम। डैश इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज नवरात्रि, नवरात्रि मनाया जाता है किस फेस्टिवल को, दुर्गा पूजा को नवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है। ऑन ईद उल फितर पीपल ईट अ स्पेशल डिश कॉल्ड सेवई, ईद उल फितर को लोग स्पेशल डिश ईट करते हैं, खाते हैं, जिसको सेवई कहा जाता है। ब्यूटीफुल डिजाइंस ऑन द फ्लोर आर कॉल्ड डैश, फ्लोर पर जो ब्यूटीफुल डिजाइंस हम लोग बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, रंगोलीज। नेक्स्ट में है, विथ विच फेस्टिवल्स वुड यू एसोसिएट द फॉलोइंग, ये जो फेस्टिवल्स ये कुछ दिए गए हैं इसको फेस्टिवल्स के साथ एसोसिएट करना है, अटैच करना है, कौन सा फेस्टिवल होगा। एन एक्समस ट्री, एन एक्समस ट्री, एक्समस ट्री किस फेस्टिवल से रिलेटेड है, तो क्रिसमस, क्रिसमस से रिलेटेड है। दही हांडी जन्माष्टमी से रिलेटेड है। स्नेक बोट ओनम से रिलेटेड है। रावणस इफेजी रावण का पुतला दशहरा से रिलेटेड है। पिचकारी होली, सेवई ईद उल फितर, रास गरबा भी दुर्गा पूजा से रिलेटेड है, नवरात्रि से रिलेटेड है। वाइल्ड लैम्प्स दिवाली से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये आपको कंप्लीट करना है होमवर्क।